राजधानी लखनऊ के कृषि निदेशालय में आज उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, देवीपाटन, विंध्याचल मंडल के संयुक्त कृषि निदेशकों और जनपदीय उप कृषि निदेशकों के साथ कृषि विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, कृषि विभाग के निदेशक विवेक कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों को उनकी फसल उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए रबी सीजन में 1 अप्रैल से सरसों, चना और मसूर के MSP केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें सरकार ने 3,94,000 मैट्रिक टन सरसों, 2,12,000 मैट्रिक टन चना और 1,49,000 मैट्रिक टन मसूर खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि MSP पर सरसों 5,450 रुपये क्विंटल, चना 5,335 रुपये और मसूर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तय की गई है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जायद की खेती को लेकर कहा कि जायद सीजन में ज्वार, बाजरा और मक्का के संकर बीजों पर 15,000 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान और 50% की धनराशि। इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई धनराशि के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 2,06,00,000 से अधिक किसानों के खातों में 52 करोड़ से अधिक धनराशि ट्रांसफर की गई है। दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के उन्हें अच्छी कीमतें उपलब्ध कराई जा सकें, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर के खरीद का फैसला किया है। आपको यह स्मरण होगा कि हम लोगों ने तिलहन और दलहन के इस साल 11 लाख निःशुल्क मिनी किट लगभग 11 लाख किसानों को उपलब्ध कराए। इससे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का आच्छादन हुआ और क्रॉप भी बहुत अच्छी है, और इसलिए भारत सरकार से हम लोगों ने परमिशन लेकर के सरसों की खरीदारी 3,94,000 मैट्रिक टन हमको उन्होंने परमिशन दिया है कि 3,94,000 मैट्रिक टन तक हम सरसों की खरीद कर सकते हैं। चना की खरीद 2,12,000 मैट्रिक टन की पर की अनुमति हमें दी है और मसूर की 1,49,000 मैट्रिक टन के का अनुमति दिया है। सरसों की खरीद 5,450 रुपये के रेट से शुरू की जाएगी। चना का MSP 5,335 रुपये है और मसूर की MSP 6,000 रुपये है। तो जिन जनपदों के भीतर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा इसका आच्छादन हुआ है, प्राथमिकता के आधार पर उन जनपदों के भीतर क्रय केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहाँ जिलाधिकारी उसके चिन्हित करेंगे उन स्थानों पर, और ये क्रय 2 अप्रैल के बाद ये प्रारंभ किया जाएगा और इस बीच में उसकी पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। नेफेड और PCF के PCF के माध्यम से इसकी खरीद की जाएगी। जायद की खेती को भी प्रोत्साहन किया जाए, इस दृष्टि से हम लोगों ने यह तय किया है कि हाइब्रिड ज्वार बाजरा और मक्के की जायद में लगाए जाने वाले किसानों को 50% अनुदान पर उनको यह बीज उपलब्ध कराई जाएगी। अनुदान की जो अपर लिमिट है वो 15,000 प्रति क्विंटल या 50%, जो कम होगा वह उसके हिसाब से दिया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना बना करके और ब्लॉक स्तर पर उनके स्टॉल लगा करके वहीं से हाइब्रिड कंपनियां जो है उसको उपलब्ध करा सकेंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संतृप्तिकरण के दृष्टि से एक विशेष अभियान कृषि विभाग चलाएगी। 10 मई से 31 मई के बीच में यदि नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो यह अभियान हम लोग 10 मई से 31 मई के बीच में चलाएंगे, अन्यथा फिर उसकी तारीख उसके हिसाब से बढ़ाई जाएगी, जिसके भीतर जितने भी पात्र कृषक जो ओपन सोर्स से उन्होंने आवेदन किया था लेकिन अभी
उनको पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, ऐसे को चिन्हित करके और सभी ग्राम पंचायतों में एक एक दिवस वहाँ पर कृषि विभाग के लोग, राजस्व विभाग का लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक, इनके माध्यम से वहाँ पर जो है वो पूरा उसको उसके डाटा को लेकर के जिसकी जैसी ज़रूरत है, यदि उसको भूमि के अभिलेख प्राप्त करने हैं तो वहीं पर उनको हो जाएंगे। साथ साथ में जिलाधिकारी वहाँ पर उस दिन के लिए उस गांव में कॉमन सर्विस सेंटर या लैपटॉप से किसी आदमी को रखेंगे जो ऑनलाइन जो है वो उसकी डाटा को उसके भीतर बुकिंग भी करता चला जाएगा। तो जो उसका निवारण हो सकता है उसी ग्राम के ऊपर ग्राम पंचायत में, ये उसके लिए पहले से तारीखें तय करके और ग्राम सभा की खुली बैठक में इसकी चर्चा करके, और ग्राम प्रधान ऐसे किसानों को जिनको पात्रता रखते हैं लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि नहीं पहुंच रही है, एक बृहद योजना हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाने का फैसला किया है और उसके भीतर हम उसको करेंगे और अपात्र किसानों को भी चिन्हित करके उनके आवेदन पत्र को निरस्त कर उसी कार्यक्रम के दरमियान कर दिया जाएगा।